दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके बाद सर्विसेज का पावर दिल्ली सरकार को मिल गया और अब केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसके बाद से आम आदमी पार्टी जो है वो अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रही है ताकि राज्यसभा में इस बिल को रोका जा सके। लेकिन क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने, हमारे साथ गोपाल राय हैं, वो उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे सर कि आगे क्या आप लोगों की रणनीति है। रामलीला मैदान में क्या देश भर से लोगों को आप बुला रहे हैं या फिर सिर्फ दिल्ली और में आम आदमी पार्टी और आम लोगों तक आप जुड़ाव रखेंगे? देखिए, ये रामलीला मैदान में दिल्ली के लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी चुनी हुई सरकार और सरकार को चुनने वाले लोगों के मतों को जिस तरह से अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने जीरो किया है, इस तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली इकट्ठा हो रही है रामलीला मैदान में। दिल्ली के लोग इकट्ठा होंगे रामलीला मैदान में, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पूरे दिल्ली के अंदर आज से डोर टू डोर कैंपेन 2000 जो मंडल्स हमें वहां पे टीमें जो है शुरू कर दी हैं और पूरे दिल्ली के लोगों से यही अपील की जा रही है कि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल दिल्ली के लोगों की वोट की कीमत आज जीरो की जा रही है, कल छीन ली जाएगी। संविधान अगर एक है तो मतदाताओं का वोट की कीमत अलग अलग नहीं हो सकती है। अगर वोट वो देते हैं तो उनके भी कीमत वही है जो दूसरे मतदाता वोट देते हैं। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ रामलीला मैदान में पूरे दिल्ली भर से लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। डोर टू डोर कैंपेन भी आपने शुरू किया है, लोगों को आप क्या कहेंगे डोर टू डोर कैंपेन के दौरान? क्या कोई लेटर आप लोगों तक पहुँचाएंगे? घर घर अगर आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं तो वो क्या समझाएंगे लोगों को? देखिए, दो बातें हम लोगों से कह रहे हैं। पहली बात ये है कि जो जिस तरह से एक मतदाता, एक भारत के नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार संविधान ने दिया वोट का अधिकार, जिस तरह से दिल्ली के वोटरों के अधिकार को अपमानित किया जा रहा है, ये ऑर्डिनेंस हर दिल्ली के मतदाता को अपमानित करने का काम कर रहा है। दूसरी चीज कि अगर इस तरह से ही अध्यादेश ला करके और दिल्ली सरकार के को ठप किया गया तो जो काम आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुए हैं वो सारे ठप होंगे, उससे पूरे दिल्ली का नुकसान होना है। इसलिए अपने लिए, अपने वोट के रक्षा के लिए हमें रामलीला मैदान पहुंचना है। इसके लिए एक पैम्पलेट लोगों को घर घर जाकर के आमंत्रण पत्र भी रैली का बांटा जा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि जनता से तो आप जुड़ रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन के जरिए, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनसे जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ा विपक्षी दल जो है कांग्रेस, उनसे आपने मिलने का समय मांगा लेकिन अभी तक मुलाकात संभव नहीं हो पाई है। क्या आप इसे ना के तौर पे देख रहे हैं कि कांग्रेस राजी नहीं हो रही है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि अभी समय लगेगा, रास्ता निकल सकता है? नहीं, देखिए, एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं के साथ हम लोग समय मांग रहे हैं और जिनका जिनका समय मिलता जा रहा है एक एक नेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोग मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का जब समय उनकी तरफ से तय होगा उनसे भी बात करें। क्या आप कहना चाहेंगे कांग्रेस को, आपको लगता है कि उन्हें समर्थन करना चाहिए आपके साथ? नहीं, कांग्रेस से हमने समर्थन के लिए ही अपील की है कि इस तरह का जो एक तानाशाहीपूर्ण अध्यादेश आया है ये दिल्ली के लोगों को और देश में जो तानाशाही का रवैया दिख रहा है उसके खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां पर आम लोगों को जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।